एवरीवन, दिस इज मी साथ हेयर मार्क के लिए लेके आए हुए कॉलिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है टुवर्ड्स यू, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, फोर ऑफ वॉन्ड्स। आप में से मेजोरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं। मेजोरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आपके पर्सन। इनको 3 हफ्ते लग सकते हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, कि आपकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन लें जहाँ पर ये अपने आप को इतना रिलैक्स फील करेंगे, इतना ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होंगे कि ये इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में सोच सकेंगे। मुझे लगता है कि आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन या तो अपनी फैमिली का अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, या फिर अपने जॉब को सरल होने का वेट कर रहे हैं, या फिर अपने बिजनेस को सरल होने का वेट कर रहे हैं। बट कुछ ऐसा है जिसके लिए ये वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो चीज़ हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि उसको 3 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लग सकता है, तो मुझे लगता है कि जैसे वो चीज़ पूरी हो जाएगी तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे। आप में से वो लोग जो राइट ना आपके पर्सन और आपके दरमियान में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, वो भी चांसेस हैं कि वो इन्वॉल्वमेंट भी 3 हफ्ते के अंदर अंदर चीज रिजॉल्व हो जाए और आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकें। मुझे लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर खुश होंगे, जैसे उनको कोई गुड न्यूज मिलेगी जिसके बाद उनको लगे कि हाँ अब मैं जो चाहता हूं मैं कर सकता हूं। सो उस तरह की एनर्जी लग रही है आप में से मेजोरिटी लोगों के लिए। अगर आप राइट नाउ डिस्टेंस में हो पर्सन के साथ, मुझे लगता है 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका पर्सन आपको विजिट करेगा, आपको सरप्राइज विजिट करेगा और उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो काफी अच्छी हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सन अगर आपसे राइट नाउ नो कांटेक्ट में भी हैं, तो 3 हफ्ते के अंदर आपकी कम्युनिकेशन आएगी और पर्सन जो भी चीज़ें हुई हैं उनकी लाइफ में वो भी रिवील करेंगे और एक नया स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन दिख रहे हैं यहाँ पे आपके पर्सन। आप ऐसे मेजोरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप बहुत जल्द एक सॉलिड बंधन में बनने वाले हो इस इंसान के साथ। शादी हो सकती है, लीस्ट कमिटमेंट मुझे दिख रही है यहाँ पर आपके पर्सन के साथ, बट डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ आगे बढ़ता मैं देख रही हूँ। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। पेज ऑफ कप्स, द टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ। आप में से वो लोग राइट नाउ जो काफ़ी टाइम से इस इंसान का वेट कर रहे थे या इस इंसान को और इस सिचुएशन को बेटर होने का वेट कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि अब आप वो ग्रोथ आते देखोगे इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने शायद अपने आपसे अपने दिल का हाल ओपनली कहा भी नहीं है, यू नो क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या वो प्लानिंग है उनकी। तो हो सकता है कि अगर आपका रिलेशनशिप उस स्टेज पे है राइट नाउ जहाँ पर पर्सन ने कभी ओपनली आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हैं, तो मुझे लगता है कि वो वक्त आएगा आने वाले 3 हफ्ते के अंदर जहाँ पर आप ये पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आप उनकी तरफ से एक्सप्रेस होते देखोगे। आप ऐसे कुछ लोग फायर साइन हो सकते हो या फिर एयर साइन भी हो सकते हो, बट फायर साइन काफ़ी डोमिनेंट लग रहा है यहाँ पर। या तो आप फायर साइन को डील कर रहे हो या फिर एयर साइन को डील कर रहे हो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लाइफ आने वाले 3 हफ्ते के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस और अबंडेंस मिलेगी अपने इस रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में। गुड न्यूज़ मिलते देख रही हूँ यहाँ पर, कम्युनिकेशन आते देख रही हूँ यहाँ पर, आपके पर्सन एक्शन लेने के लिए तैयार है। कुछ ऐसी चीज़ें जो बैगेज था जिसको वो साथ लेकर चल रहे थे, वो बैगेज ड्रॉप करने के लिए तैयार है। तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप आपके इस पर्सन के साथ काफ़ी हद तक मैं आगे जाता देख रही हूँ। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा विलिंग है चीज़ों को आगे लेकर जाने के लिए, जो कि शायद पहले आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। वी डू हैव एस ऑफ सोर्ड्स। अगर आपकी राइट नाउ कम्युनिकेशन नहीं है पर्सन के साथ, वो डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने एक्शन से वो प्रूव करना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या हो और क्या कितना उन्होंने आपको मिस किया है, क्या सब है उनके माइंड में जो वो आपसे रिवील करना चाहते हैं आने वाले 3 हफ्तों में आप देखोगे। आप में से कुछ लोग जो राइट नाउ सोचते हैं कि आपको जस्टिस नहीं मिला इस इंसान के एंड से, या आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी किसी ना किसी तरीके की जस्टिस का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप और आपके पर्सन जो है एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। लेट्स सी कि पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे गिवन सर्कमस्टांसेस पे।
बट आने वाले 3 हफ्ते काफी सिग्निफिकेंट रहेंगे आपके इस रिलेशनशिप को लेकर. लेट्स सी पर्सन के मैसेजेस. इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय. मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी जहां पे आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द पास्ट. यू नो, जो हो चुका है उसको भुला कर आगे चलते हैं. आई हैव अ क्लियर मेमोरी ऑफ दैट, ऑफ एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपसे कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने आपको बाय किया था उनको अच्छे से याद है वो मोमेंट और वो सारा कुछ जो आप दोनों के दरमियान में हुआ. अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आई कॉन्ट सीम टू फॉरगेट अबाउट यू. आपको भूल नहीं सकते हैं ना ही भूल पाएंगे कभी भी. एक और मैसेज देखते हैं. ओके, 3 मैसेजेस आ गए हैं. सो लेट्स सी के व्हाट आर दे. आई लॉस्ट माई सेल्फ बिफोर. आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो एक दफ़ा पहले भी खुद को खो चुके हैं, इस दफ़ा वो दोबारा नहीं खोना चाहते. आई विल वेट फॉर अ रिजल्ट फ्रॉम यू. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे और आपके वेट करेंगे और आपका आपका आपके रिस्पॉन्स का वेट करेंगे. आई वंडर इफ यू आर एंजॉइंग लाइफ मोर विदाउट मी. आपके पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का. सरप्राइज एक्शन हो सकता है या शॉकिंग एक्शन हो सकता है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे नहीं लग रहा कि एक्सपेक्ट करोगे. स्पेशली अगर पर्सन डिस्टेंट यू नो है राइट नाउ, जहाँ पर यू नो आप दोनों के दरमियान में फिजिकल डिस्टेंस के साथ साथ इमोशनल डिस्टेंस के साथ साथ एक यू नो जगह का डिस्टेंस भी है, जहाँ पर आप किसी और जगह पे हो पर्सन किसी और जगह पर रहता है. सो वो भी एक स्ट्रांग इंडिकेशन है. लेट्स सी के और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या है उनके मन में, क्या है उनके दिमाग में आपको लेकर, उनके हार्ट में क्या है, मन में क्या है, थॉट्स में क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में इस रिलेशनशिप के बारे में. न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, रिकिंडल करना चाहता है, रिन्यू करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है. उनको लगता है कि वो काफ़ी ग्रो किए हैं आपके साथ और अब उनका माइंड चेंज हो चुका है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर. उन्होंने अगर पास्ट में कोई अनहेल्दी चॉइसेस चूज की थी आपको आपको छोड़कर, तो वो जानते हैं कि अब उनको सही चॉइसेस बनानी है. आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अब आपके पर्सन ऑल्सो लाइक यू नो दे आर हील्ड. अगर पास्ट बैगेज उनको रोक रहा था तो उससे हील हो चुके हैं, अब वो आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं और इन अ वेरी हैप्पी वे एज वेल. सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर. और अगर आप कोई भी पर्सनलाइज सर्विस चाहते हो तो उसके लिए आप रीच आउट कर सकते हो. अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हो. वहाँ पर आई अपलोड समटाइम्स रीडिंग्स जो कि शायद मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ. सो उसके अलावा आई रिसेंटली स्टार्टेड पॉडकास्ट. आप सब वो लोग जो इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं और देखना चाहते हैं पॉडकास्ट इस चैनल पे भी जो कि इंग्लिश में होगा, आप उसको चूज़ कर सकते हो कि नीचे आपको हिंदी में या यू नो ट्रांसलेटेड वर्जन आपके सामने आ सके. अगर आप चाहते हो तो आई वुड बी अपलोडिंग दैट हेयर. वरना आई लेफ्ट अ कम्युनिटी पोस्ट अपने इंग्लिश चैनल पे. आप वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हो जो कि मैंने अपनी सिस्टर के साथ किया अबाउट रिलेशनशिप्स. अगर कोई और टॉपिक के ऊपर आप बात सुनना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो हम वो भी कर सकते हैं, हम लाइव सेशन भी कर सकते हैं. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, कोई टॉपिक्स हैं, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे. सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय.